आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए एक कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक रबर लेंगे जो ताकि इस तरह से ये फैल सके, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊन यूज़ कर रही है 4-ply ऊन है, क्रोसिया नंबर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2.5 mm क्रोसिया। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से क्रोसिया इसके अंदर डालेंगे, ये धागा को खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे हम, इस तरह से खींच लेंगे पहले हम, इस तरह से धागे को खींचते हुए लाएंगे हम और यहाँ से इस तरह से बांध लेना है। अब क्रोसे पे धागा लेंगे, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से खींचते हुए लाएंगे और तीन फंदे एक साथ हम इस तरह से निकाल देंगे इसे। फिर से क्रोसे पे धागा लेंगे, इसके अंदर डालेंगे क्रोसिया और तीन फंदे एक साथ निकाल देंगे इस तरह से कर। तो इस रबड़ को हम पूरी तरह से इस तरह से सिंगल क्रोसिया के साथ भर लेंगे, यानी हाफ डबल क्रोसिया के साथ पूरा भर लेना है आपको। या फिर सिंगल क्रोसिया करें या फिर हाफ डबल क्रोसिया, ठीक है। इस तरह से लेंगे, तीन फंदे एक साथ निकालेंगे, इस तरह से थोड़ा सा खिसकाते हुए जाना आपको, ऐसे लेंगे, इसके अंदर से डालना है आपको, तीन फंदे एक साथ निकालेंगे। फिर से लेंगे, यहाँ डालेंगे, तीन फंदे एक साथ निकालेंगे। तो चलिए इस तरह से पूरा करते, पूरे रबड़ को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने देखिए पूरा हाफ डबल क्रोसिया बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया। और जहाँ से हमने शुरुआत किया हुआ था इस चेन पे डालेंगे और यहाँ स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, हम एक दो और ये तीन चेन। तीन चेन बनाने के बाद देखें, फर्स्ट वाली जो हमारी, इसके बाद जो हमारे पास चेन आएगी यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे, सिंगल क्रोसिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे हम एक दो और ये तीन। तीन चेन लेने के बाद फिर इसके नेक्स्ट वाली चेन पे जाएंगे और सिंगल क्रोसिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से चेन लेंगे हम एक दो और ये तीन चेन। फिर इसके नेक्स्ट वाली चेन पे हम जाएंगे और सिंगल क्रोसिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। पूरी लाइन हम इसी तरह से करते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। तीन तीन चेन लेंगे और उसके बगल वाली चेन में जाते हुए सिंगल क्रोसिया के साथ इसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरी राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद जो पहले हमने बनाया था इसके अंदर इस तरह से हम क्रोसिया डालेंगे। अब यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से हम व्हाइट कलर ले लेंगे, इस तरह से लेना है आपको। गांठ लगा ले पहले, उसके बाद यहाँ से लेंगे, इसे ज्वाइंट करेंगे और इस धागे को खींच देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, हम एक दो तीन। ये ऊन हमारी थोड़ी सी पतली है तो यहाँ पे हम चार चेन लेंगे। चार चेन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट वाली जो हमारी ये गैप है यहाँ पे डालेंगे, इसे सिंगल क्रोसिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे एक दो तीन और ये चार चेन। फिर नेक्स्ट वाली हमारी जो है चेन का स्पेस यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। फिर लेंगे एक दो तीन और ये चार चेन। फिर नेक्स्ट वाली जो हमारी है, देखिए तीन चेन जो हमने बनाया हुआ था इसके बीच में हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोसिया के साथ। तो पूरी लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से करते हुए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। जब यहाँ पे डालेंगे, चाहे तो इसकी लेयर और भी बढ़ा सकते हैं या फिर कलरफुल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो ही कलर से बना रही हूँ। इस तरह से करते हुए यहाँ पे डालेंगे, फिर लेंगे एक दो और ये तीन चेन। नेक्स्ट वाली चेन में हम इस तरह से डालेंगे, सिंगल क्रोसिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे एक दो और ये तीन चेन। फिर अगली वाली चेन में जाएंगे और सिंगल क्रोसिया के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से लेंगे तीन चेन, एक दो और ये तीन चेन लेना है। अगर पतली ऊन है तो चार चेन ले, अगर मोटी है तो आप यहाँ पे तीन ही चेन ले लें, ठीक है। तो इस तरह से लिया हमने। अब जहाँ हमने पहली चेन स्टार्ट किया हुआ था इस जगह पर लेंगे और यहाँ से इस तरह से स्लिप करते हुए इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पे हम धागे को काट लेंगे इस तरह से, एक चेन बनाते हुए धागे को थोड़ा सा लंबा खींचे ताकि अंदर की ओर से हम इसे ऐसे लेंगे और धागे को अंदर कर लें, चेन में डालेंगे। तो इस तरह से करते हुए आप इसे हाथ में पहने या बच्चों की चोटी में लगाएं, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे प्यारा सा खूबसूरत सा स्क्रंची बनके रेडी हो गया। तो देखिए कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसे फोल्ड करके भी लगा सकती हैं, बच्चों के चोटी में भी लगा सकती हैं, या फिर इस तरह से करते हुए आप इसे हाथ में भी इसे पहन सकती हैं। इस तरह से आ जाएगी। आप इसे ज़्यादा घना भी बना सकती हैं, मैंने दो ही लेयर बनाई है, आप इससे ज़्यादा घना बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।